जैसे मैंने ABCD की थी और बहुत सारी फिल्में पहले भी बनी है, लेकिन ये डांस की फिल्म थोड़ी बाप बेटे की कहानी के ऊपर डिपेंड, बहुत ही इमोशंस अटैचमेंट है फादर सन के, जो ये वेस्टर्न कल्चर वाले सीखते हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं, ये अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है और उस पर हम गर्व करते हैं। अक्षय कुमार मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, और बाकी बहुत से लोग ने सपोर्ट किया है फिल्म को और हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं डेफिनेटली थिएटर्स को पहले वोट दूंगा, क्योंकि थिएटर सिनेमा से हम लोग आए वही से, और OTT भी अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा कर रही। गोविंदा जी द बेस्ट, गोविंदा मेरे भाई है, उन्होंने मेरी लाइफ बनाई है कोरियोग्राफी में। अमित जी बेसिकली मेरे माता पिता सब इंडस्ट्री के वही है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। हाँ, तो आप लोगों को पता है रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अपने हिंदुस्तान को लोग बहुत प्यार करते हैं और हिंदुस्तानी कल्चर के ऊपर फिल्म है और अभी तक 15 मिलियंस हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी फिल्म हमने कोशिश की है देहाती डिस्को, उसको 15 मिलियंस व्यूज़ मिलना, देख लो लोगों ने देखना पसंद करना, बहुत बड़ी बात है। और मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे कि आपने अच्छा अटेम्प्ट किया करके। नहीं, डांस के ऊपर फिल्में बनी है और अच्छी अच्छी फिल्में बनी है, ऐसा नहीं, जैसे मैंने ABCD की थी और बहुत सारी फिल्में पहले भी बनी है, लेकिन ये डांस की फिल्म थोड़ी बाप बेटे की कहानी के ऊपर डिपेंड, जो मेरे बचपन में पिताजी मेरे से चाहते थे वो कुछ चीज़ें डाली है और कहानी पे बहुत काम किया इस फिल्म के, बहुत ही इमोशंस अटैचमेंट है फादर सन के, कि एक फादर अपने बेटे को किस तरह से डांस में आगे बढ़ाना चाहता हूँ और वो बेटा किस तरह से एक वेस्टर्न कल्चर को चैलेंज करता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर वाले बहुत प्राउडी है, घमंडी है, मतलब हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर सकते हैं, कोई है हमारे सामने मुकाबले, वो एक तरह चलता है। और मेरा बेटा उस चीज़ को बोलता है कि मैं आपके बेटे के साथ मुकाबला हूँ और मैं उसके साथ में हूँ। और फिल्म के थ्रू मैं बेसिकली ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये वेस्टर्न कल्चर वाले सीखते हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम इसको प्यार करते हैं, उसको हम झुक के नमन करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है और उस पर हम गर्व करते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट। दोस्त है अक्षय कुमार मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, और बाकी बहुत से लोग ने सपोर्ट किया है फिल्म को और हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं मुझे बहुत मानते हैं, मेरे कोरियोग्राफी डांस को बहुत मानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी मतलब उनके पास हमेशा कोई ना कोई चीज़ करता तो जाता हूँ, तो हंसते हंसते गला लगा के करते हैं, तो ये धन्यवाद बोलूँगा उनको, शुक्रगुजार उनका कि मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, मनोज जोशी है, फिर राजेश शर्मा है, फिर रवि किशन मेरे ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर साहिल है, मास्टर सक्सम है, फिर अखिलेश मिश्रा जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तानी कल्चर को लेके फिल्म हम लोग ये कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आती है, इसका मुद्दा बहुत पसंद आता है लोगों को, इसका कंटेंट पसंद आता है, दिल से जुड़ी पूरी फिल्म लखनऊ में की हम लोग ने और लॉकडाउन में किए। मैंने बेल बॉटम कर रहा था अक्षय के साथ में स्कॉटलैंड में, वहाँ से मैंने थोड़ा बॉडी पे अपने मेहनत करके, फिजिक पे मेहनत करके, सक्षम के साथ डांस के प्रैक्टिस करके और एक्टिंग में जितना मुझे आता है वो कोशिश उतनी करके कोशिश की कि फिल्म हम लोग कुछ बनाए अच्छी। जो अच्छा डांसर होता है अच्छा एक्टर होता ही है तो डांसिंग फिल्म है और एक फादर का रोल प्ले करना था, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मनोज शर्मा मेरे डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप कीजिए करके, तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। हीरो तो इसमें बेस्ट जो है वो मास्टर सक्षम ही है, बच्चा ही हीरो है, उसके ऊपर पूरी फिल्म है और उसने बहुत अच्छा काम किया है, कमाल का एक्टर है वो लड़का सक्षम और बहुत कमाल का डांसर है। म्यूज़िक शिवा मनी जी ने किया हुआ, बहुत ही धमाल म्यूज़िक किया हुआ है, उनसे बेस्ट इस फिल्म को म्यूज़िक कोई दे नहीं सकता, शिवा मनी से बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इस फिल्म का हो ही नहीं सकता। देहाती डिस्को जो पर्कशन है उनका है, जो वॉल्यूम है, जो इंडियन म्यूज़िक का वॉल्यूम वो समझते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। देखिए, इस फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए सबसे बड़ा हेल्प किया है कुरैशी प्रोडक्शन, वसीम भाई जीगेश और कमल किशोर मिश्रा जो प्रोड्यूसर है,
तो मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा कि इस फिल्म को थिएटर में लेके आ रहे हैं। अब फिल्म थिएटर की ही है, लोगों तक बेसिकली ये जो एक छोटे छोटे कस्बे जो लोगों तक ये फिल्म पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम था। तो OTT के ऐसे ही नहीं थे कि ऑफर से, लेकिन हम लोग चाहते थे कि पहले थिएटर में आए, लोगों के पास आए और लोगों को तक ये फिल्म पहुँचाए। तो जो जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद बोलूँगा। मैं डेफिनेटली थिएटर्स को पहले वोट दूंगा, क्योंकि थिएटर सिनेमा से हम लोग आए वही से, और OTT भी अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फिल्म जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थिएटर सिनेमा की फिल्म है। बहुत सारे हैं, एज ए कोरियोग्राफी में मैंने अक्षय कुमार जी के साथ राम सेतु ख़त्म किए, ओ माई गॉड टू ख़त्म किए, सिंड्रेला आ रही है अभी और दो फिल्में चालू हो रही है, रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र किए, लव रंजन की फिल्म किए, रणवीर सिंह के साथ सर्कस किए रोहित शेट्टी की, फिर करण जौहर की फिल्म किए रॉकी और रिकी और रॉकी, फिर मैंने विक्की कौशिक के साथ फिल्म किए आया गोविंदा आया और दो फिल्में और किए, फिर मैं शाहरुख खान जी के साथ काम कर रहा हूँ, राजू हिरानी की फिल्म डंकी उसका गाना कर रहा हूँ। तो बहुत सारे फिल्में लाइनअप है एज ए कोरियोग्राफर, जो मेरी आत्मा है। लेकिन अभी फिलहाल तो देहाती डिस्को चल रहा है, 27 मई को रिलीज है थिएटर में, देखिए क्या होता है। पहली फिल्म से लेकर अभी तक सब फेवरेट ही है, मैं उसमें जितनी अपनी आत्मा डाल सकता हूँ डालता हूँ। लेकिन बहुत सारी, कुली नंबर वन मेरी फेवरेट है, फिर बहुत सारी फिल्में जो मैं गोविंदा जी के साथ कर रहा हूँ, फिल्में सब बहुत मुझे पसंद है। गोविंदा जी द बेस्ट, गोविंदा मेरे भाई है, उन्होंने मेरी लाइफ बनाई है कोरियोग्राफी में, और वो इसलिए नहीं कि मुझे लाइफ बनाए इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ, वो अच्छे डांसर है, वो अच्छे एक्टर है, और वो तो देखिए प्यार है। ये मैं इनके साथ काम करता हूँ और उनको मेरे साथ काम करने अच्छा लगता है, मैं इस बात को बहुत गर्व फील करता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं और मुझे इज्जत देते, सम्मान देते, और बस यही है। इसमें शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी फैमिली का आशीर्वाद इसलिए चल रहा है। ये है प्यार है, अमित जी तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरे हर फिल्म के मुहूर्त में और हर जगह में मुझे बहुत प्यार करते हैं अमित जी। बेसिकली मेरे माता पिता सब इंडस्ट्री के वही है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। देखिए हर जनरेशन का अपना स्टाइल होता है, और हम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके स्टाइल में अपनी स्टाइल डालूँ या उनकी स्टाइल को मैं अपनाऊँ। तो आज की जनरेशन सबसे बेस्ट है, वो समझती है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर इंसान का अपना अपना पहचान है फॉर्म में बनाने की। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर वो मेरे साथ काम करे तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कुछ उनको दूँ, उनका कुछ मेरा लूँ। बस डांस का गुरु मंत्र यही है कि गुरु जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हम कभी गुरु बन नहीं सकते, हम अच्छे स्टूडेंट रहे, ज़िंदगी में सीखते रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। डांस एक ऐसा चीज़ है जितना सीखोगे उतना कम है, जितना आप उस चीज़ को प्यार से अपनाओगे वो बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले तो अपने देश के लिए आइए, अपने देश की कला के लिए आइए। देश की कला बहुत बड़ी है हमारी, जिसमें क्लासिकल फॉर्म्स है, इंडियन फोक है, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह की कला है। तो ये फिल्म के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का कल्चर बहुत बड़ा है, हमारे देश के कल्चर में कहीं कहीं ऐसे कला है जो हमको स्प्रेड करने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के थ्रू किसी को ठेस नहीं पहुँचाना, हम हर वेस्टर्न कल्चर को प्यार करते हैं, उसको अपनाते हैं और उसको इज्जत करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि गणेश आचार्य अगर देहाती है तो बहुत अच्छा है, मुझे देहाती सुनना बहुत अच्छा लगता है और मेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा स्टाइल अमेरिका लंदन यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, उसको प्यार करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि बहुत दिल से बनाई है गणेश आचार्य ने फिल्म, बहुत प्यार से उसको एक मतलब फूलों छोटे से छोटी सी चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो हो सके उतना देखिए। अच्छा नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।